हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। देखिए आज एक बार पुनः हम आप लोगों के सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं 3 अंकों वाले। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज की इस वीडियो में हम सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो देखेंगे प्रभाविता का नियम क्या होता है, इसके बाद पृथक्करण का नियम देखेंगे यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसके अलावा देखेंगे समयुग्मजीव व विषमयुग्मजीव में अंतर, व चौथा क्वेश्चन देखेंगे हम जीन प्ररूप व लक्षण प्ररूप के मध्य अंतर। तो चलिए सबसे पहले जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है मेंडल के प्रभाविता का नियम। तो देखिए मेंडल के प्रभाविता के नियम की यदि हम बात करें तो मेंडल ने टोटल 3 नियम दिए हैं, जिसमें पहला नियम है प्रभाविता का नियम, यानी कि इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखिए नॉर्मल सी बात है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि प्रभाविता का नियम अर्थात प्रभावी लक्षण से संबंधित है। तो देखिए प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में यानी जो प्रथम पीढ़ी होती है उसमें केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। मेंडल का नियम क्या कहता है कि यदि हम आपस में कोई एक लक्षण और उसका एक विपरीत या विरोधी लक्षण लेकर के आपस में क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी जो हमको प्राप्त होती है उसमें केवल और केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं, अप्रभावी लक्षण छिप जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। इसके एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पे देखिए मेंडल ने क्या किया, मेंडल द्वारा शुद्ध लंबे व शुद्ध बौने पौधों में संकरण कराया गया, उसके पश्चात प्रथम पीढ़ी में केवल और केवल लंबे पौधे ही प्राप्त हुए। तो जैसा कि मेंडल ने कहा कि F1 पीढ़ी में केवल और केवल प्रभावी लक्षण ही प्राप्त होते हैं, इसे ही हम मेंडल की प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो मेंडल ने क्या किया कि शुद्ध लंबे पौधों को लिया और इसके विपरीत शुद्ध बौने पौधों का क्रॉस कराया। तो शुद्ध लंबे पौधों का क्रॉस जो उन्होंने शुद्ध बौने पौधों से कराया तो यहाँ पे लंबे पौधे प्रभावी होते हैं और शुद्ध बौने पौधे जो हैं वो अप्रभावी होते हैं। तो लंबे पौधे के लिए कैपिटल टी यहाँ पे एलील लिया गया या जीन लिया गया, वहीं शुद्ध बौने पौधों के लिए स्मॉल टी। अब जब आपस में इन्होंने क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी जो हमको प्राप्त हुई है, जो F1 जनरेशन ये प्राप्त हुई हमको, इसमें आप देख सकते हैं कि केवल और केवल लंबे पौधे ही प्राप्त होते हैं, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ रहेगा ही रहेगा। और यदि कैपिटल टी उपस्थित है तो कैपिटल टी मतलब लंबे पौधे, तो कैपिटल टी के जीन ज़्यादा प्रभावी होते हैं, इसलिए F1 पीढ़ी में केवल और केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। तो मेंडल ने क्या किया कि जब लंबे पौधों का क्रॉस बौने पौधों के साथ कराया तो F1 पीढ़ी में उन्होंने देखा कि केवल और केवल प्रभावी लक्षण ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से आप इनका जीनोटाइप और फिनोटाइप भी निकाल सकते हैं। आपस में जो कैपिटल टी और स्मॉल टी आया है इसका यदि आपस में आप क्रॉस कराएंगे तो इनका जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो भी आपको मिल जाएगा 1:2:1, यानी 1:2:1 रेशियो में जीन प्ररूप इसका आएगा। तो इस प्रकार से आप पाएंगे कि जो प्रभाविता का नियम है इसमें मुख्य रूप से आप पाएंगे कि जब भी एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर के क्रॉस कराया जाता है तो उसमें से केवल और केवल प्रभावी लक्षण ही F1 पीढ़ी में दिखाई देते हैं, इसे ही मेंडल के प्रभाविता का नियम कहते हैं। और इसका आप एग्जाम्पल भी यहाँ पे बता देंगे कि जब मेंडल द्वारा शुद्ध लंबे व शुद्ध बौने पौधों के मध्य क्रॉस कराया गया या संकरण कराया गया तो F1 पीढ़ी में हमको लंबे पौधे ही प्राप्त हुए। इसके बाद देखिए दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम, जिसको हम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और इसको हम युग्मकों की शुद्धता का नियम यानी कि लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, मतलब शुद्ध युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं इसे। चलिए सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि पृथक्करण का नियम एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो ये एक दूसरे से बिना मिश्रित हुए साथ साथ रहते हैं तथा युग्मकों के निर्माण के समय ये शुद्ध रूप से अलग अलग हो जाते हैं, इस नियम को हम पृथक्करण का नियम कहते हैं। यानी नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पे एक जोड़ी, यहाँ पर भी एक संकर संकरण ही होगा तो आपस में मोनोहाइब्रिड क्रॉस यहाँ पे भी होगा। तो जब हम एक जोड़ी आपस में लक्षण लेंगे और आपस में उनके मध्य जब हम क्रॉस कराते हैं तब आप पाएंगे कि ये दोनों लक्षण यानी प्रभावी व अप्रभावी दोनों लक्षण जो है एक दूसरे से बिना मिश्रित हुए साथ साथ रहते हैं लेकिन एक दूसरे से मिश्रित नहीं होते हैं। और जब युग्मकों का निर्माण होता है ऐसी कंडीशन में ये पुनः अलग अलग हो जाते हैं, जिस कारण से इसे हम क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं। क्योंकि युग्मकों के निर्माण के समय ये क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं। अब पृथक्करण नियम की जो क्रियाविधि है देखिए इसको देखते हैं। तो जब समयुग्मजी लाल पुष्प वाले पौधों का क्रॉस दूसरे समयुग्मजी सफेद पुष्प वाले पौधों के साथ कराया जाता है तो संकरण के बाद जो F1 पीढ़ी है
उसके पौधों में यानी यवन पीढ़ी के पौधों में पुष्प का लक्षण प्रारूप जो है लाल होता है, यानी यवन पीढ़ी जो प्राप्त होगी उसमें लक्षण प्रारूप हमको लाल रंग का प्राप्त होगा, तथा जीन प्रारूप क्या प्राप्त होता है, कैपिटल आर स्मॉल आर प्राप्त होता है, क्योंकि लाल रंग का जो जीन होता है कैपिटल आर वो सफेद रंग के जीन स्मॉल आर पर प्रभावी होता है, तथा यफ टू पीढ़ी में सफेद रंग का प्रकट होना यह दर्शाता है कि सफेद रंग का जीन स्मॉल आर लाल रंग के जीन आर के साथ रहता है लेकिन उससे मिश्रित नहीं होता है, तथा युग्मक बनते समय पृथक पृथक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप पाएंगे कि ये जो पृथककरण का नियम है इसमें आपस में जो हम एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के मध्य क्रॉस कराते हैं, मतलब एक लक्षण लें और उनके एक विपरीत या विरोधी लक्षण लें और उसके मध्य हम आपस में जब क्रॉस कराते हैं तो यवन पीढ़ी में प्रभावी लक्षण ही प्राप्त होते हैं, लेकिन यवन पीढ़ी में आप पाएंगे कि जो अप्रभावी जीन है वो भी प्रभावी जीन के साथ रहता है लेकिन एक दूसरे से मिश्रित नहीं होते हैं, और फिर जब युग्मकों का निर्माण होता है तो ये पुनः पृथक पृथक हो जाते हैं, यानी आपस में जब हम स्वपरागण कराएंगे, आपस में जब हम स्वनिषेचन कराएंगे तो ये जीन पुनः जो है पृथक पृथक हो जाएंगे, यानी प्रभावी और अप्रभावी पुनः से अलग अलग हो जाएंगे। इसी कारण से इस नियम को हम क्या कहते हैं, पृथककरण का नियम कहते हैं। तो अब आप इसमें देख भी सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, जब यहां पे देखिए समयुग्मजी लाल पुष्प का क्रास जो है समयुग्मजी सफेद पुष्प के साथ कराया जाता है तो यवन पीढ़ी में आप पाएंगे कि लाल रंग के पुष्प ही प्राप्त होते हैं और उनका जो जीन प्ररूप होता है वो कैपिटल आर स्मॉल आर होता है। लक्षण प्ररूप क्या है इनका, लाल रंग का है लेकिन जीन प्ररूप कैसा है, कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब आप देखिए कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर भी उपस्थित है, जबकि स्मॉल आर किसका होता है, जीन व्हाइट फ्लावर का होता है। अब जब हम इनमें आपस में स्वनिषेचन कराएंगे, यानी आपस में जब हम इनकी क्रिया कराएंगे तो कुछ इस प्रकार से चेकर बोर्ड के माध्यम से हमने यहाँ पे क्रिया कराई है, तो अब देखिए कैसे कैसे प्राप्त होंगे। जब कैपिटल आर स्मॉल आर की क्रिया हमने कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ ही कराई है, तब आपको क्या देखने को मिल रहा है कि कैपिटल आर यानी कि लाल पुष्प तो आते ही हैं, साथ ही साथ कैपिटल आर स्मॉल आर यानी लाल पुष्प ये भी प्राप्त होते हैं जो यवन पीढ़ी में आए थे, कैपिटल आर और स्मॉल आर। लेकिन कैपिटल आर और स्मॉल आर जो होते हैं ये संकर लंबे कहलाते हैं, ये शुद्ध लंबे नहीं होते हैं, ये हाइब्रिड रेड कहलाएंगे, क्योंकि ये शुद्ध लंबे तो है नहीं, यदि शुद्ध लंबे होते तो कैपिटल आर होते, तो ये संकर लंबे कहलाएंगे। लाल पुष्प तो प्राप्त होंगे लेकिन संकर लंबे कहलाएंगे, क्योंकि यवन पीढ़ी में प्राप्त हो रहे हैं तो ये संकर लंबे कहलाएंगे। तो अब आपको यहां पे देखिए पुनः जब आपको ये यफ टू पीढ़ी प्राप्त होती है उसमें स्मॉल आर पुनः आपको प्राप्त हो जाता है, यानी व्हाइट कलर के जो फ्लावर हैं या व्हाइट रंग के जो जीन हैं ये पुनः प्रकट हो जाते हैं यफ टू पीढ़ी में। तो यफ टू पीढ़ी में स्मॉल आर का यानी सफेद पुष्पों का प्रकट हो जाना यह दर्शाता है कि जो अप्रभावी रंग के जीन होती हैं ये भी यवन पीढ़ी में कैपिटल आर के साथ यानी कि प्रभावी जीनों के साथ उपस्थित रहते हैं लेकिन एक दूसरे से कभी भी मिश्रित नहीं होते हैं, और जब युग्मक निर्माण हो रहा है तो ये पुनः से पृथक पृथक हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड पुनः पृथक हो गए हैं और स्मॉल आर यानी सफेद रंग के पुष्प जो हैं ये पुनः प्रकट हो जाते हैं। इनका जीनोटाइप रेशियो यदि आप देखें तो प्योर रेड यानी कि शुद्ध लाल पौधे जो हैं, शुद्ध लाल पुष्प जो है 25% प्राप्त हो रहे हैं, वहीं 50% कैपिटल आर स्मॉल आर, इनकी संख्या ज्यादा है, दो है देख सकते हैं आप, तो 50% कैपिटल आर स्मॉल आर प्राप्त हो रहे हैं यानी कि हाइब्रिड रेड अर्थात संकर लंबे पौधे। वहीं एक आप देख रहे हैं कि स्मॉल आर यानी कि प्योर व्हाइट शुद्ध सफेद पुष्प भी प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से आप जीनोटाइप रेशियो निकाल सकते हैं 1:2:1 और इसका फिनोटाइप रेशियो भी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो तीन प्रकार से इसका फिनोटाइप यानी तीन प्रकार से लक्षण प्राप्त हो रहे हैं मुख्य रूप से, तो एक तो शुद्ध लंबे, फिर संकर लंबे और इसके बाद फिर शुद्ध, यहां पे आप पाएंगे कि शुद्ध सफेद पुष्प। तो इस प्रकार से यहां पे आप जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो भी निकाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मेंडल के पृथक्करण के नियम में आपने क्या देखा कि जब एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों को लेकर के आपस में हम क्रॉस कराते हैं तो यवन पीढ़ी में प्रभावी रंग के जीन ही प्रकट होते हैं, जैसे कि लक्षण प्ररूप जो है यहां पे लाल रंग का प्रकट होता है लेकिन जीन प्ररूप में जो है प्रभावी के साथ अप्रभावी भी रहता है, और जो अप्रभावी लक्षण है वो प्रभावी के साथ बिना मिश्रित हुए साथ साथ रहता है, और फिर जब युग्मकों का निर्माण होता है तो यफ टू पीढ़ी में आप देख सकते हैं पुनः से स्मॉल रंग की यानी कि पुनः से आप पाएंगे कि सफेद रंग के जीन जो है अलग हो जाते हैं या पृथक हो जाते हैं, जिसे ही हम क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है, इसके बाद देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीन प्ररूप व लक्षण प्ररूप के मध्य अंतर, यानी डिफरेंसेस बिटवीन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। तो देखिए जीन प्ररूप की यदि हम बात करते हैं, नॉर्मली पहला डिफरेंस तो आपको यही याद रखना है कि जो जीन प्ररूप होता है यह जीवों के जीन संगठन को व्यक्त करता है, यानी जीनों की संरचना को व्यक्त करता है। कौन? जीन प्ररूप। मान लीजिए कोई लक्षण है हमारे पास जैसे लाल पुष्प, तो उस लाल पुष्प के लिए हमने जीन प्ररूप क्या लिया, कैपिटल आर कैपिटल आर। तो कैपिटल आर यहां पे क्या हो गया, जीन का संगठन हो गया। तो जीन का संगठन कैसा है, कैपिटल आर कैपिटल आर है। तो यहां पे पाएंगे आप जीन प्ररूप जो है यह जीवों के अंदर उपस्थित जो जीन होते हैं उनके संगठन को व्यक्त करते हैं। वहीं जो लक्षण प्ररूप है यानी कि जो फिनोटाइप होते हैं, यह किसी भी जीवों के आकार प्रकृति रंग स्वभाव आदि गुणों को व्यक्त करते हैं। यानी जो फिनोटाइप या लक्षण प्ररूप होते हैं ये किसी भी जीव के उपस्थित जीव में उपस्थित बाहरी रंग रूप आकार प्रकृति को व्यक्त करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है इनमें, कि समान जीनोटाइप वाले जीवों के फिनोटाइप अथवा लक्षण प्ररूप भिन्न भिन्न हो सकते हैं। यदि जीनोटाइप आपस में समान है तो समान जीवों वाले जीवों के फिनोटाइप अथवा लक्षण प्ररूप क्या हो सकते हैं, भिन्न भिन्न हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ यदि हम देखें लक्षण प्ररूप की, तो समान फिनोटाइप वाले जीवों के जीन प्ररूप अथवा जीन प्ररूप जीनोटाइप भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई लक्षण है लाल पुष्प, तो उस लाल पुष्प के लिए देखिए आपको इस प्रकार से प्राप्त हो सकते हैं। तो लाल रंग के पुष्प के लिए कैपिटल आर भी हो सकता है और कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर भी हो सकता है। तो देखिए यहां पे लक्षण दोनों का क्या है, लक्षण दोनों का लाल ही है। ये जो कैपिटल आर स्मॉल आर आते हैं ना, ये F1 पीढ़ी में आएंगे। जब हम यहां पे आप देख सकते हैं, जब हम लाल रंग के पुष्पों का क्रॉस सफेद रंग के पुष्प के साथ कराएंगे तो कुछ इस प्रकार से हमको जो है F1 पीढ़ी प्राप्त होगी। तो अब जो F1 पीढ़ी प्राप्त होगी उसमें जो हमको प्राप्त होंगे यहाँ पे पौधे या पुष्प जो प्राप्त होंगे वो क्या कहलाएंगे, संकर लंबे कहलाएंगे। यानी ये भी यानी F1 पीढ़ी में भी लंबे पौधे ही प्राप्त होंगे, क्योंकि कैपिटल आर ज़्यादा प्रभावी होता है स्मॉल आर पर। तो यानी यहाँ पे आप F1 पीढ़ी में भी क्या पाएंगे, लंबे पौधे पाएंगे। और स्टार्टिंग में आपने जो लंबे पुष्प यहाँ पे भी हैं और लंबे पुष्प यहाँ पे भी हैं, लेकिन यहाँ पे जीन प्ररूप क्या है, कैपिटल आर, यहाँ पे जीन प्ररूप क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यदि आपस में फिनोटाइप आपस में एक समान है फिर भी उनका जीनोटाइप जो है अलग अलग हो सकता है। तीसरा डिफरेंस देखिए क्या है, कि जो जीन प्ररूप होता है इसका अध्ययन करने के पश्चात जनकों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मतलब जीन प्ररूप का अध्ययन करके इनके जनकों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। वहीं लक्षण प्ररूप के आधार पर जनकों के बारे में जानकारी प्राप्त करना कठिन होता है। फिर देखिए चौथा डिफरेंस इनमें क्या है, कि यह वातावरण द्वारा प्रभावित नहीं होता है। जो जीन प्ररूप होता है यह वातावरण के द्वारा इफेक्टिव या प्रभावित नहीं होता है। वहीं लक्षण प्ररूप की यदि हम बात करें तो यह वातावरण द्वारा प्रभावित होते हैं। आखिरी डिफरेंस इनमें क्या है, कि किसी भी जीव का जो जीन प्ररूप होता है वो जीवन पर्यंत एक प्रकार से या एक समान बना रहता है, जबकि लक्षण प्ररूप में ऐसा नहीं होता। वातावरण में बदलाव के कारण लक्षण प्ररूप में बदलाव होना संभव होता है, अर्थात यदि वातावरण में चेंजेस आते हैं तो किसी भी जीव के लक्षण प्ररूप में परिवर्तन आ सकता है। तो इस प्रकार से जीनोटाइप व फिनोटाइप के मध्य आपको अंतर तैयार करना है, काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद आखिरी डिफरेंस है और आज का आखिरी क्वेश्चन है, कि समयुग्मजी व विषमयुग्मजी में अंतर। तो देखिए समयुग्मजी व विषमयुग्मजी यानी होमोजाइगस और हेटरोजाइगस के मध्य आपको अंतर बताना है। तो देखिए इसमें एक कारक अर्थात जीन के दोनों जो युग्म विकल्पी होते हैं अर्थात जो एलील होते हैं वो समान होते हैं, जैसे कैपिटल टी या स्मॉल टी। मतलब यदि कोई एक लक्षण लेंगे हम तो उसके लिए जो दोनों एलील या कारक लेंगे वो यदि आपस में समान है तो इसे ही हम क्या कहेंगे, जीन प्ररूप यानी कि जीनोटाइप। मुख्य रूप से आप पाएंगे कि जब समान होंगे तो समयुग्मजी कहलाएंगे और जब असमान होंगे तो विषमयुग्मजी कहलाएंगे। तो यहाँ पे आप पाएंगे कि इसमें एक कारक अर्थात एक जीन के दोनों जो युग्म विकल्पी हैं अर्थात जो एलील होते हैं वो समान होते हैं, क्योंकि समयुग्मजी अवस्था में क्या होते हैं, एलील क्या होते हैं, आपस में समान होते हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहां पे आपस में एलील क्या है, समान है, तो इसे हम समयुग्मजी कहेंगे। वहीं विषमयुग्मजी में आप पाएंगे कि इसमें एक कारक के दोनों युग्म विकल्पी समान नहीं होते अर्थात अलग अलग होते हैं। अब आप बताइए, मान लीजिए हमारे पास कोई एक लक्षण है उसके लिए
आपस में जीन कैसे हैं, अलग अलग प्रकार के, मतलब समान नहीं। जैसे एक हमारे पास कैपिटल आर हो जाए, एक स्मॉल आर हो जाए, एक हमारे पास कैपिटल टी हो जाए, एक हमारे पास स्मॉल टी हो जाए। तो यदि दोनों एलील या कारक एक समान नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे, विषम युग्मजी कहेंगे। दूसरा डिफरेंस इनमें क्या है कि जनन के समान एक ही प्रकार के युग्मक बनते हैं, यानी जो समयुग्मजी होते हैं इनमें यदि जनन होता है तो जनन के समय केवल एक ही प्रकार के युग्मक का निर्माण होता है। वहीं विषम युग्मजी में आप पाएंगे कि दो अलग अलग प्रकार के युग्मक बनते हैं। तो इसमें आप पाएंगे कि जो विषम युग्मजी अवस्था है, अर्थात जो हेटरोजाइगस अवस्था है, इसमें अलग अलग प्रकार के युग्मक बनते हैं। तो इसमें आप पाएंगे कि विषम युग्मजी है तो युग्मक भी कैसे बनेंगे, अलग अलग प्रकार के बनते हैं। आखिरी डिफरेंस है इनमें कि इन समयुग्मजी पौधों में जब स्वपरागण या अंतः प्रजनन होता है तब जो संतति प्राप्त होती है वो जनकों के समलक्षणी या समजीनी प्रकार की होती है। जबकि यदि हम बात करें विषम युग्मजी में तो इनमें स्वपरागण होने पर संतति में जो प्रभावी व अप्रभावी दोनों विपर्यायी लक्षण होते हैं वो संततियों में व्यक्त होते हैं। कहने का मतलब है कि जनक से जो संतति बनेंगे समयुग्मजी में तो उनमें जो जीन प्ररूप होगा वो जनक के समान ही होगा और जो लक्षण प्ररूप होंगे वो भी जनक के समान ही होंगे। लेकिन विषम युग्मजी में आप पाएंगे कि इनमें प्रभावी व अप्रभावी दोनों प्रकार के जीन व्यक्त होंगे, किसके अंदर, जनक के अंदर। यानी आप पाएंगे कि जरूरी नहीं है कि जनक के समान ही जीन व लक्षण प्ररूप किन के अंदर होंगे, किसी भी प्रकार से संततियों या पुत्रियों के अंदर। तो इस प्रकार से तीनों डिफरेंस आपको तैयार कर लेना है, तीन अंतर में डेफिनेट रूप से आपके एग्जाम में कोई ना कोई अंतर पूछा जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कर जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।